नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। अभी हाल ही में जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था उड़ीसा प्रदेश की बालेश्वर जिला में, जहां बहानागा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां हुई थी एक बहुत बड़ी रेल हादसा जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी। तो ये घटना घटी थी शुक्रवार, मतलब फ्राइडे, दो जून फ्राइडे को। तो फिर उसके बाद जो घटना हुई है उसके बारे में आज का चर्चा है। लोकल वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, तो उनका ये मानना है कि वहाँ पे ये रेल हादसे के बाद रात के 2 बजे के बाद अजीब अजीब से आवाज़ें सुनने को मिल रहा है। खाली उतना ही नहीं, जो वहाँ पे बगल में जहाँ पर रेल हादसा हुआ था उसके बगल में एक स्कूल था, स्कूल के कैंपस में वो जो लाशें हैं, अनगिनत लाशें हैं, वहाँ पे उनको रखा गया था। तो बच्चे अभी स्कूल जाने को भी मना कर रहे हैं, उनके जो गार्डियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी उनको रोक रहे हैं कि जहाँ पे रक्त की छींटे लगा था, जहाँ पे लाशें इकट्ठा हुई थी, वहाँ पे हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ेंगे। तो फिर वहाँ पे एक जो बहानागा गाँव है, वहाँ पे एक बिल्कुल डरावना माहौल बन चुका है। लोगों का ये मानना है कि ये भूत, पिशाच या अतृप्त आत्मा की ये सब आवाज़ें हैं। रात के 2 बजे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ट्रेन धड़धड़ होने की, जो एक्सीडेंट के समय जो आवाज़ वहाँ पे हुई थी बहुत ज़ोर से धड़धड़ होने की आवाज़, वो भी आवाज़ सुनाई दे रहा है। इसी के संबंध में आपका आज का चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं बाब अक्षर की मालिका भक्त बाबुली बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ। गुरु बाबा जी, तो जैसे कि हमारा ये टॉपिक है कि लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, तो क्या ये आत्मा, अतृप्त आत्मा, भूत, पिशाच ये सब होता है? क्योंकि लोगों का ये मानना है, अगर हम आजकल यंग मास, खास करके युवा समाज को पूछेंगे, बिल्कुल 50-50 आएगा आंसर। कुछ लोग बोलेंगे हाँ और आधा लोग बोलेंगे ना। तो आपका क्या मानना है? गुरु अवधूत शिवराम, जय माँ कनक दुर्गा। देखिए सत्य बाबू, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना जी, एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास करेगा, कोई दो ही बात आपका पास है। जो आदमी विश्वास नहीं करेगा, जब आप उनको पूछेंगे आप कौन है, वो बोलेगा हम मानव है। वो किसके लिए मानव है? भगवान का सत्ता, जो परमात्मा का सत्ता, आत्मा बत हो के आत्मा से परमात्मा, जीवात्मा होके इस शरीर में जो भगवान देते हैं, उसी के लिए कीट से ब्रह्म तक हर जीव अपना काम कर सकते हैं। जो वही बात पूछेगा, आत्मा ऐसा है, उनका अंदर भी आत्मा है, उनका भी कोई दादाजी है, दादी जी है, कोई भी पुराना लोग मर चुके हैं, तो उसके लिए, उसका आत्मा मुक्ति के लिए, वो भी जिस जगह पे जितना भी नियम है वो पालन करता है, सिर्फ पालन करता है आत्मा को मुक्ति करने के लिए। ऐसा कोई जो रिवाज है उसको जो फॉलो करते हैं, आपका ही मानना है आत्मा की मुक्ति के लिए ये सब रिवाज? तो फिर आत्मा नहीं है कैसे? भारत एक सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म में हमारा पवित्र ग्रंथ गीता, उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की बात में बोला है। भगवत में भगवान कृष्ण उद्धव को आत्मा की बात बोला है। जी। गुरु और शिष्य आत्मा की तत्व बात करता है। जी। तो जब आत्मा की शब्द आते हैं, तब आत्मा है, तो इसी के लिए शब्द सृष्टि है ना। अच्छा, ऐसा हम बोल सकते हैं वो मुक्ति होता कि नहीं, उसका क्रियाकर्म करा गया कि नहीं?
जब नहीं किया तब वो अमुक्त है, अमुख्य है, अतृप्त आत्मा है। वो कोई भूत बोलेगा, कोई आत्मा बोलेगा, कोई डाकिन बोलेगा, कोई संकिन बोलेगा, कोई शैतान बोलेगा, वो कोई शब्द ब्रह्म दूसरा होगा, मगर वो आत्मा है, एक विद्या आत्मा है। जो आत्मदर्शी है, जो आत्मा के ज्ञान को साधन करता है, आत्मा तत्व का सिद्धि मंत्र को जो साधन करता है, वो सिर्फ आत्मा के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये जो अतृप्त आत्मा की हम बात कर रहे हैं, कि मतलब क्या ये सबको दिखाई देता है? सबको नहीं दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा, किसको नहीं? इधर कितना आदमी है तो उनको दिखा देगा। आप तीन रास्ता में चलते हैं, सपोज अंधेरे का रास्ता में हम 5-10 चलते हैं, तो कोई बोलेगा इधर कोई खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, ना वही वही वही, उसको दिखाई देगा। वो उसके साथ में जो है उनको दिखाई नहीं दिया, नहीं आ, वो एक काला है, भगवान की दत्त एक कड़ा है, अच्छा ज्ञान है, उसका ज्ञान भगवान देते हैं, दैवी कड़ा है, अच्छा। वो देख सकेगा। तो फिर एक बात बताइए, मतलब ऐसा कुछ आपके पास है क्या, कुछ प्रामाणिकता के साथ आप मतलब हमारे भक्तों के सामने आप दिखा सकते हैं? है ना, क्या है हमारा सिद्धि काठी है। सिद्धि काठी वो क्या है? साधना का समय हमको प्राप्ति हुआ था, जब आप साधना किए थे 23 साल के नीचे, जब से मतलब आज से लगभग 23-25 साल के पहले की बात है। अच्छा, साधना के बाद जब मेरा साधना पूर्ण हुआ, जी जी, तभी माता जोगमाया कनक दुर्गा ने वो जो स्टिक है ना मेरे कोद में डाला। अच्छा, मतलब मैं भी आश्चर्य हो गया, वो कैसा कहाँ से आया, वो तो छात का घर था ना, तो सुबह देखा एक काठी है। माता जी ने रात को बोला जो प्रश्न होगा वो बढ़ जाएगा, अच्छा, जो ना होगा वो ना अंगुल रह जाएगा। तो जो मैजिक स्टिक है वो क्या, वो आपके पास है अभी यहाँ पे? मैजिक नहीं बोलिए, ब्रह्म स्टिक बोलिए, ब्रह्म स्टिक। अच्छा, शब्द ब्रह्म भूल करिए नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी, क्योंकि ब्रह्ममय का बात है, इधर कोई तंत्र मंत्र तंत्र नष्ट करने वाले। अच्छा, हमें मतलब ब्रह्मस्टिक है, ब्रह्मस्टिक है, जैसे ब्रह्म ब्रह्मांड भूगोल है वही ब्रह्मस्टिक है, क्यों ब्रह्ममय मेरे को दिया है। अच्छा, आप अच्छा क्वेश्चन किया, सही है, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जो मैजिक बोल दिया, धड़क की नहीं मारा, माँ से मेरे को कान में आया आवाज। अच्छा, अच्छा। उनको बेटा को बोल दो मैजिक नहीं है, ब्रह्म है। अच्छा, मैजिक नहीं, क्योंकि देखिए आप एक बात देखिए, जब भगवान की शक्ति आते है ना, तभी जड़ चेतन हो जाता है, चेतन भी जड़ हो जाता है, ये तो है, ये फैक्ट है, वो ठीक है ना। तभी आपको हम दिखाएंगे बानागा में आत्मा है कि नहीं, ये जो काठी है वो जड़ है कि चेतन है। कहाँ है काठी, कहाँ है? यही पर है, माता जी के पास, माँ त्रिपुरा सुंदर। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इसको थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा पास लेके दिखाइए, ये ब्रह्म स्टिक है ये। अच्छा, ये है, कैसे काम करता है वो? 9 अंगुल है ना, 9 अंगुल मतलब कैसे, नीचे से, हाँ ये रहा 4, एक मतलब 1, 2, 3, 4, फिर 4, 8, अच्छा 5, 6, 7, 8, फिर एक, अच्छा 9 हो गया ना। हाँ, 9, वो जो 9 अंगुल है संपूर्ण शरीर तत्व का एक अट्ठी है। अच्छा, शरीर में जो 9 द्वार है उसके, उसी 9 द्वार में उसको साधन करना है। अच्छा, जो नवद्वार आत्मा की बात जानते हैं, नवद्वार की बात को साधन करेगा, तभी उसको मालूम हो जाएगा। तो ये जो 9 उंगली हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा? मतलब जब आप प्रश्न पूछेंगे, आप खुद पूछेंगे, आपका कैमरा में सामने, ठीक है, जे माता जी मेरे को नहीं, माता जी की पूछिए, माता जी बानागा में आत्मा है, जब आत्मा है तभी आपका 9 अंगुल का स्टिक 10 अंगुल हो जाएगा, जब 10 अंगुल हो जाएगा तभी है। अच्छा, तो क्या आप तो हाँ। आप तो खुद मापी की देखा है ना, 9 हाँ। ना नहीं हाँ। तो फिर आप 9 अंगुल से थोड़े ज्यादा था बस, वो एक सुता है मेरा, उधर पकड़ने का कोई हिलता है, मगर वो 9 अंगुल है। अच्छा, मेरा अंगुली में 9 अंगुल है, आपके अंगुली में, क्योंकि मैं उसको साधन करके पाया है। अच्छा, किसी अंगुली उंगली में इतना कोई बढ़ जाता है कोई कम जाता है, उसका अंगुल ठीक नहीं है ना। सही बात है, ठीक है। तो फिर ये 9 अंगुली आपका ये मानना है, प्रश्न पूछने के बाद वो बढ़ जाएगा, नहीं तो 9 अंगुल रहेगा। अच्छा, या तो जो ना बहानागा में जब आत्मा नहीं है तब 9 अंगुल रहेगा, नहीं या तो उतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा। हाँ, घटेगा नहीं, 9 अंगुल घटेगा कैसा, ब्रह्म शक्ति कैसा छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, या तो उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सवाल क्या रहेगा? माता जी बहानागा में कोई अतृप्त आत्मा है, जब है आपका स्टिक
10 अंगुल हो जाएगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। शुरू करो। तो बाबा जी ने ये मुझे पूछा है कि आप माता जी से पूछिए आपका प्रश्न, अगर प्रश्न ठीक सही रहा माता जी ने जो उत्तर देंगे या तो उंगली बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। तो मैं प्रश्न मैं शुरू करता हूँ। माता जी, बालेश्वर की बहानगा में जो रेल हादसा हुई थी, क्या वहाँ पर अतृत आत्माएं हैं? जब है, अगर है तो आपका स्टिक 10 अंगुल हो जाएगा। अगर है तो आपका जो ब्रह्म स्टिक है ये 10 उंगली हो जाएगा। नहीं है तो? नहीं है तो 9 अंगुल रहेगा। नहीं है तो 9 उंगली हो जाएगा। अभी देखिए बाबा जी शुरू कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोल रहा हूँ क्लोजअप लीजिए, बिल्कुल क्लोजअप लीजिए। बाहर लाइट का मत देख सकता बाहर। देखिए 4 अंगुल है ना, ठीक है। 8 अंगुल है ना, 9 अंगुल है ना, देखिए ना 9 अंगुल से बड़ा है कि नहीं? 9 है। 9 का ऊपर है कि नहीं? 9 से ऊपर है। 10 अंगुल ये हो गया 10। नहीं ठीक है बाबा जी, एक बार फिर से। हाँ, कोई एडिट इसमें नहीं है, बिल्कुल कट नहीं है, आप सीधा सा आप देख पा रहे हैं। ये हो गया 4, 1 2 3 4 4 8 5 6 7 8 9, उसके ऊपर है 9 और उसके ऊपर है 10। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बढ़ गया। आप जानते हो, आप प्रश्न पूछा है ना, एक उंगली जो है बढ़ गया वो, तो शक्ति आपको दिखाई है ना। अच्छा, आप भी पकड़ सकते हैं, मस्तक में लगाइए माँ ब्रह्म शक्ति को।